बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है वेरिएशनल प्रिंसिपल एंड लैग्रेंज क्वेश्चंस। इस टॉपिक के सिलसिले में आज हम दो हेडिंग्स करेंगे, हैमिल्टनियन प्रिंसिपल एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस। बाकी इसके बाद टॉपिक नंबर 3, 4, 5 एंड 6 ये नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। हैमिल्टनियन प्रिंसिपल, एक्शन इंटीग्रल एंड हैमिल्टनियन प्रिंसिपल। The entire motion of system between time 1 t1 and time t2 and small variations of this motion from the actual path. This motion is such that the line integral called the action or action integral I is equal to L dt for integral time t1 to time t2, where L is the Lagrangian function. And this has a stationary value. This integral has the stationary value for the actual path of the motion. यानी कि एक्चुअल पाथ आपके पास जो है इसमें t1 t2 से, इसके लिए हमारे पास स्टेशनरी वैल्यू होगी इस फंक्शन लैग्रेंजियन की, और इससे जो राइट और लेफ्ट जो वेरिएशन है उससे उसकी वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। द स्टेशनरी वैल्यू मीन्स डेट द इंटीग्रल अलॉन्ग द गिवन पाथ हैज़ द सेम वैल्यू टू विद इन फर्स्ट ऑर्डर इन्फिनिटेसिमल्स एज डेट अलॉन्ग ऑल नेबरिंग पाथ्स। यानी इसकी फिक्स जिसकी वैल्यू जो है हमारे पास, जो स्टेशनरी वैल्यू आती है फॉर एक्चुअल पाथ, बाकी तमाम नेगेटिव पाथ जो राइट या लेफ्ट है उनके कंपैरेटिव, दोज दैट डिफर फ्रॉम इट बाय इन्फिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट्स। राइट या लेफ्ट जो इन्फिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट है या मूवमेंट है या वेरिएशन है उसके कंपैरेटिव, इस पाथ के एक्चुअल पाथ के लिए जो वैल्यू है वो स्टेशनरी होगी, फिक्स्ड होगी एट एन इंस्टेंट। We can summarize Hamilton's principle by saying that the motion is such that the variation of the line integral for fixed t1 and t2 is zero. यानी t1 and t2 पे जो variations, variational path के लिए भी जो value है वो इसमें के लिए क्या होगी, zero होगी। यानी delta i is equal to delta small variation of integral of Lagrangian function at time. That will be equal to zero. Now, motion of system and configuration space. अब हम देखते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट की, किसी सिस्टम की जो मोशन है वो किसी डिफाइंड कन्फिग्रेशन स्पेस में क्या होगी, या फिर पहले हम ये देखेंगे कि कन्फिग्रेशन स्पेस होती क्या है, फिर हम देखेंगे कि किसी सिस्टम की मोशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं उस स्पेस में। The instantaneous configuration of system is described by the values of n generalized coordinates. इस तरह हम पहले पढ़ते रहे कि इसमें किसी भी सिस्टम की जो कन्फिग्रेशन है उसे हम n generalized coordinates से शो करते हैं, k1 to kn, and corresponds to a particular point in a Cartesian hyperspace where q is form the n coordinate axis. इन जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स जो हैं, जितने हैं आपके पास k1 टू kn है, अगर n है तो फिर n जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स के हमारे पास n कोऑर्डिनेट एक्सिस डेवलप करते हैं। दिस n डायमेंशनल स्पेस इज देयरफॉर नोन एज कॉन्फ़िगरेशन स्पेस। ये जो n डायमेंशनल स्पेस बनती है n जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स की वजह से, हम कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन स्पेस। अब होता क्या है कि एज टाइम गोज ऑन, जो जो टाइम गुजरता है द स्टेट ऑफ सिस्टम चेंज एंड द सिस्टम पॉइंट मूव्स इन कॉन्फ़िगरेशन स्टेट। यानी जो जो टाइम गुजरता है तो सिस्टम की जो स्टेट है वो चेंज होती जाती है, और सिस्टम का जो पॉइंट है, हम सिस्टम को एज पॉइंट एक लेंगे दैट मूव्स इन द कोऑर्डिनेट स्पेस, ट्रेसिंग आउट अ कर्व, यानी एक पाथ पे मूव करती है। दैट पाथ इज नोन एज द पाथ ऑफ मोशन ऑफ द सिस्टम। जिस तरह आपने ये लास्ट फिगर में देखा है t1 और t2 के दरमियान ये पाथ आपके पास आ रहा है, ये बेसिकली क्या है, पाथ ऑफ मोशन ऑफ द सिस्टम। द मोशन ऑफ द सिस्टम रेफर्स टू द मोशन ऑफ द सिस्टम पॉइंट अलॉन्ग दिस पाथ। यानी मोशन ऑफ द सिस्टम से क्या मुराद होगी कि उस सिस्टम की मोशन जो है इस पाथ के जो अलॉन्ग है इन कॉन्फ़िगरेशन स्पेस, उस कॉन्फ़िगरेशन स्पेस में इस पाथ के अलॉन्ग जो मोशन है सिस्टम की उसे हम कहेंगे मोशन ऑफ सिस्टम। द अगली बात की अहम इसमें यह है कि द कॉन्फ़िगरेशन स्पेस हैज़ नो नेसेसरी कनेक्शन विद इन द फिजिकल 3-डायमेंशनल स्पेस। यानी कॉन्फ़िगरेशन स्पेस के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो 3-डायमेंशनल स्पेस हो हमारे पास कार्टीजियन कोऑर्डिनेट्स में, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स लाजमी नहीं कि वो पोजिशन कोऑर्डिनेट्स हो, किसी और फिजिकल प्रॉपर्टी को भी वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसीलिए जो कॉन्फ़िगरेशन स्पेस है वो लाजमी नहीं कि 3-डायमेंशनल स्पेस के ही उसी को
एक्सप्लेन करें. द पाथ ऑफ मोशन इन कन्फिग्रेशन स्पेस हैज़ नो रिजम्बलेंस, यानी मुवासरत इसकी नहीं है, टू द पाथ इन स्पेस ऑफ एनी एक्चुअल पार्टिकल. यानी कन्फिग्रेशन स्पेस में जो मोशन का पाथ है इसकी कोई मुवासरत नहीं है कि किसी और स्पेस में जो एक्चुअल पार्टिकल का पाथ होगा उसके अकॉर्डिंग. क्योंकि ईच पॉइंट ऑन द पाथ रिप्रेजेंट्स द एंटायर सिस्टम कन्फिग्रेशन एट सम गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम. क्योंकि हर पॉइंट जो है उस पाथ पर सिस्टम की कन्फिग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है फॉर एनी गिवन इंस्टेंट, किसी मखसूस वक्त के लिए. तो अब हम देखते हैं ये जो वेरिएशन होती है इसका मैथमेटिक्स क्या है, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन. हम यानी जो वेरिएशन वेरिड पाथ है इसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, इसमें वेरिएशन कैसे फाइंड करते हैं. टू फाइंड द कर्व फॉर विच सम गिवन लाइन इंटीग्रल हैज अ स्टेशनरी वैल्यू. यानी जो हम कर्व फाइंड करते हैं जिसके लिए लाइन इंटीग्रल हैज सम स्टेशनरी वैल्यू, कंसिडर द प्रॉब्लम इन एन एसेंशियली वन डायमेंशनल फॉर्म. जिस तरह हमारे पास ये फिगर में हैव अ फंक्शन एफ विच इज वेरिएबल ऑफ विच इज फंक्शन ऑफ वाई डॉट एंड एक्स, एंड दिस फंक्शन डिफाइंड अ पाथ वाई इज इक्वल टू वाई एक्स. ये फंक्शन जो हमारे पास इस पाथ को डिफाइन कर रहा है जो फिगर में आपको नजर आ रहा है, एंड वेयर वाई इज इक्वल टू वाई ऑफ एक्स. यानी वाई पाथ है और वाई जो है ये डिपेंड करता है एक्स वेरिएबल पे, क्योंकि वाई जो है वेरी करता है बिटवीन पॉइंट एक्स वन एंड पॉइंट एक्स टू. यानी एक्स की दो वैल्यूज के दरमियान ये वाई की वैल्यू हमारे पास चेंज हो रही है, इस पाथ की वैल्यू ये हमारे पास चेंज हो रही है. यहाँ पे जो वाई डॉट जो है ये बेसिकली क्या है, डेरीवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ये डेरीवेटिव ऑफ वाई रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं है बल्कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स है. नाउ वी विश टू फाइंड अ पर्टिकुलर पाथ वाई इज इक्वल टू वाई एक्स. यानी इस पाथ पर हम ये पाथ फाइंड करना चाह रहे हैं, फिर इसको कंपेयर करेंगे वेरिएशन से जिसके लेफ्ट या राइट हो सकती है. सच दैट द लाइन इंटीग्रल जे ऑफ द फंक्शन एफ बिटवीन एक्स वन एंड एक्स टू हैज़ अ स्टेशनरी वैल्यू रिलेटिव टू पाथ डिफरिंग इन्फिनिटेसिमली फ्रॉम द करेक्ट फंक्शन वाई इज इक्वल टू एक्स. यानी हमारे पास ये जो लाइन इंटीग्रल जे है फॉर फंक्शन एफ बिटवीन एक्स वन एंड एक्स टू, दिस फंक्शन हैज़ स्टेशनरी वैल्यू रिलेटिव टू द पाथ डिफरिंग इंटेंसिमली फ्रॉम करेक्ट पाथ. यानी इसकी वैल्यू यह है वो क्या है, स्टेशनरी है कम्पेयर टू पाथ अदर देन दिस एक्चुअल पाथ. यानी किसी भी वैल्यू पाथ के लिए इसकी वैल्यू क्या है, वो स्टेशनरी होगी. नाउ कंसिडर ओनली सच वैल्यू पाथ. हम इस एक्चुअल पाथ के अलावा वो वैल्यू पाथ कंसिडर करते हैं चाहे लेफ्ट पे है चाहे राइट पे है, जिनके जो एंड पॉइंट्स हैं वो कम्बाइन है एक्चुअल पाथ के साथ. यानी फॉर विच वाई एक्स वन इज इक्वल टू वाई वन. यानी इस पॉइंट पे आपके पास y की जो वैल्यू है x1 पे वो क्या है y1, और x2 पे जो y की वैल्यू वो क्या है y2, एंड y x2 इज इक्वल टू y2. हम ये पाथ कंसिडर कर रहे हैं. सिंस ये मस्ट हैव अ स्टेशनरी वैल्यू फॉर द करेक्ट पाथ. यानी j की वैल्यू करेक्ट पाथ के लिए क्या होगी, स्टेशनरी होगी, फिक्स्ड होगी रिलेटिव टू एनी नेबरिंग पाथ. कोई भी नेबरिंग पाथ लेफ्ट राइट पे जो भी है वेरिड पाथ उसके रिलेटिव j की वैल्यू एक्चुअल पाथ के लिए फिक्स्ड होगी. एंड वेरिएशन मस्ट बी ज़ीरो. वेरिएशन कब ज़ीरो होगी, रिलेटिव टू सम पार्टिकुलर सेट ऑफ नेबरिंग पाथ लेबल्स बाय एन इन्फिनिटेसिमल पैरामीटर अल्फा. यानी कोई भी नेबरिंग पाथ जिसके लिए जो वेरिएशन है वो इन्फिनिटेसिमल पैरामीटर अल्फा उसे रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके रिलेटिव j की वैल्यू ज़ीरो होगी एक्चुअल पाथ के लिए. Such a set of paths might be denoted by, जो ऐसा पाथ है वेरिड पाथ उसे हम डिनोट कर सकते वाई फंक्शन ऑफ एक्स एल्फा. ये एक्स एल्फा बेसिकली वेरिएशन है फ्रॉम एक्चुअल पाथ विद वाई इज इक्वल टू एक्स ज़ीरो. और वाई इज इक्वल टू एक्स ज़ीरो ये हमारे पास करेक्ट पाथ है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएशन क्या है, ज़ीरो है. वाई की एक्स पे तो डिपेंडेंस है लेकिन वेरिएशन क्या है उसमें, ज़ीरो एक्चुअल पाथ से. इफ़ वी सिलेक्ट एनी फंक्शन ईटा एक्स, अगर हम ईटा एक्स फंक्शन कोई भी सिलेक्ट करते हैं देन दैट फंक्शन वैनिशेज एट एक्स इक्वल टू एक्स वन एंड एक्स इक्वल टू एक्स टू. क्योंकि वहाँ पे तमाम सारे पाथ क्या हैं, बाउंड्रीज पे एक्स वन पे और एक्स टू पे तमाम पाथ हैं कनेक्ट हो जाते हैं, इसलिए वहाँ पे वेरिएशन क्या होगी, ज़ीरो होगी. तो वहाँ पे ये जो वेरिएशन के लिए फंक्शन है ये क्या हो जाता है, वैनिश हो जाता है. देन ए पॉसिबल सेट ऑफ वेरिड पाथ इज गिवन बाय, तुम्हारे पास पॉसिबल सेट ऑफ पाथ क्या होगा, वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड एल्फा.
या अल्फा जो है वैलिड पाथ के लिए है, इज इक्वल टू वाई एक्स जीरो, एक्स जीरो ये क्यों एक्चुअल पाथ वाले टर्म है, प्लस वेरिएशन इन पाथ अल्फा ईटा एक्स। तो ये फर्स्ट टर्म एक्चुअल पाथ है और सेकंड टर्म उस एक्चुअल पाथ से वेरिएशन है। तो ओवरऑल अगर सम क्या आ रहा है हमारे पास, वैलिड पाथ वाई एक्स अल्फा के। फॉर सिंप्लिसिटी इट इज अज्यूम्ड दैट बोथ द करेक्ट पाथ वाई एक्स, वाई फंक्शन ऑफ एक्स एंड द एक्सिलरी फंक्शन ईटा एक्स, ये वाई एक्स जो एक्चुअल पाथ के लिए और ईटा एक्स वैलिड पाथ के लिए, आर वेल बिहेव्ड फंक्शंस, यानी ये वेल बिहेव्ड फंक्शन ये कंटिन्यूस हैं और नॉन सिंगुलर हैं बिटवीन एक्स वन एंड एक्स टू, एक्स वन और एक्स टू के दरमियान जो है ये कंटिन्यूस है और नॉन सिंगुलर हैं, विद कंटिन्यूस फर्स्ट एंड सेकेंड डेरीवेटिव इन द सेम इंटरवल। फॉर एनी सच पैरामीट्रिक फैमिली ऑफ कर्व्स ये इन इक्वेशन 2.3 इज ऑल्सो इज अ फंक्शन ऑफ अल्फा। तो इक्वेशन 2.3 में हमारे पास ये जो फंक्शन जो एक्चुअल पाथ के लिए, ये फिर वैलिड पाथ के लिए भी फंक्शन होगा, यानी कि जे विल बी जे इज फंक्शन ऑफ अल्फा वेयर विच इज एफ वाई ऑफ एफ वाई ऑफ एक्स अल्फा यानी वैलिड पाथ प्लस डेरिवेटिव ऑफ वैलिड पाथ विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड एक्स बिटवीन एक्स वन एंड एक्स टू। द कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग अ स्टेशनरी पॉइंट इज, हमारे पास फिर कंडीशन क्या होगी स्टेशनरी पॉइंट की, डेरिवेटिव ऑफ जे विद रिस्पेक्ट टू अल्फा एट अल्फा इज इक्वल टू जीरो शुड बी जीरो एंड डी जे बाई डी अल्फा। अब इसी इक्वेशन 2.5 को इसे आप डिफ्रेंशिएट करें चेन रूल यूज करते हैं, तो डी जे बाई डी अल्फा दिस विल बी इक्वल टू पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई। हमने बेसिकली राइट साइड पे भी विद रिस्पेक्ट टू अल्फा लेना है, लेकिन देखना है कि अल्फा पे फंक्शन कैसे डिपेंड कर रहा है। लेफ्ट साइड में विद रिस्पेक्ट टू अल्फा लिया ना डेरिवेटिव, तो राइट साइड पे भी विद रिस्पेक्ट टू अल्फा डेरिवेटिव लेना है। तो एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, एफ क्योंकि डिपेंड कर रहा है ऑन अल्फा थ्रू वाई, एफ डिपेंड्स ऑन अल्फा थ्रू वाई, तो हम यहाँ पे चेन रूल यूज करेंगे पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई एन टू पार्शियल वाई बाई पार्शियल अल्फा प्लस। अब वाई डॉट पे जो एफ की इसकी डिपेंडेंस है, जे की जो डिपेंडेंस है वाई डॉट के लिए, यहाँ पे वाई डॉट के लिए थ्रू अल्फा कर रहे हैं, तो फिर पार्शियल एफ पार्शियल वाई डॉट पार्शियल वाई डॉट पे पार्शियल अल्फा, और एक्स पे इसकी डिपेंडेंस नहीं है, एक्स क्योंकि इंडिपेंडेंट अल्फा का लिहाजा इसके रिलेटिव इसका डेरिवेटिव क्या होगा जीरो। तो चैन रूल यहाँ पे हम यूज़ करना है डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए। अब हम इस सेकेंड टर्म को लेते हैं, सेकेंड टर्म को हम मज़ीद थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, पार्शियल एफ पार्शियल वाई डॉट पार्शियल वाई डॉट पे पार्शियल अल्फा। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की सूरत हाल बनेगी, ये पार्शियल वाई डॉट को हम मजीद स्प्रेड कर देते हैं, वाई डॉट को हम लिख देते हैं पार्शियल वाई पे पार्शियल एक्स, तो हमारे पास ये ओवरऑल हो जाएगा पार्शियल स्क्वायर वाई बाई पार्शियल एक्स पार्शियल पार्शियल अल्फा। यहाँ पे वाई डॉट जो है वो पार्शियल अल्फा पार्शियल पार्शियल वाई बाई पार्शियल एक्स है। अब हम इसे इंटीग्रेट करते हैं बाई पार्ट्स, तो हमारे पास ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका इसे इंटीग्रेट करेंगे सेकेंड टर्म को पार्शियल स्क्वायर वाई बाई पार्शियल एक्स पार्शियल अल्फा, इसे इंटीग्रेट करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई डॉट इंटू पार्शियल वाई बाई पार्शियल एक्स एक्स वन टू एक्स टू माइनस। अब इसका क्या होगा डेरिवेटिव होगा और इसका क्या इंटीग्रल होगा, तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। अब ये जो फर्स्ट टर्म है ऑल वेरिड कर्व्स, ये बेसिकली वेरिड कर्व्स के लिए हमारे पास है कि ऑल वेरिड कर्व्स पास थ्रू द पॉइंट्स एक्स वन एंड एक्स टू, एक्स वन वाई वन एंड एक्स टू एंड एक्स टू, तमाम पास में इन दोनों पॉइंट से पास आउट होते हैं, जिस तरह आपने फिगर में देखा था। ये देखिए हर लाइन जितनी भी लाइन्स हैं इस पॉइंट एक्स वन और वाई वन और एक्स टू और वाई टू से पास होंगी, एंड हेंस द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू अल्फा एट एक्स वन एंड एक्स टू मस्ट वैनिश। इसलिए एक्स वन एंड एक्स टू पे जो पार्शियल डेरिवेटिव है ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू अल्फा वो क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि वहाँ पे कोई वेरिएशन नहीं है। जैसे यहाँ पे देखें इन दोनों पॉइंट्स में से तमाम लाइन्स पास थ्रू हैं, तमाम पाथ जिन दोनों पॉइंट से पास थ्रू होते हैं पॉइंट एक्स वन वाई वन पॉइंट एक्स टू वाई टू, इसलिए तमाम पाथ के लिए यहाँ पे जो वेरिएशन है वो क्या होगी जीरो होगी। तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अल्फा विल बी जीरो एट दीज टू पॉइंट्स। तो ये सिचुएशन हमारे पास बनेगी, एक पाथ एक से ज़्यादा जितने भी पाथ होंगे एन एंड पॉइंट्स पर क्या होंगे वेरिएशन जीरो होगी। अब हम देखते हैं कि सेकेंड टर्म हमारे पास थी, यहाँ से आपके पास जो ये हमारे पास एंड पॉइंट्स पे ये माइनस हो जाएगी, तो हमारे पास फिर क्या होगा देयरफॉर द फर्स्ट टर्म ऑफ 2.8
वैनिश, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म वैनिश हो जाएगी. एंड इक्वेशन 2.7 रिड्यूसेस टू डी जे बाई डी एल्फा इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ सो ऑन दिस फंक्शन फ्रॉम बिटवीन एक्स वन एंड एक्स टू. नाउ द कंडीशन फॉर स्टेशनरी वैल्यू के लिए हमारे पास जो रिलेशन है डी जे बाई डी एल्फा एट एल्फा इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू जीरो इज देयरफॉर इक्विवेलेंट टू द इक्वेशन. हमारे पास ये इक्वेशन ये आ जाएगी. यहाँ पे हमारे पास जो है पार्शियल वाई बाई पार्शियल अल्फा एट अल्फा इज इक्वल टू जीरो एंड दिस टर्म शुड बी इक्वल टू जीरो. द पार्शियल डेरिवेटिव वाई विद रिस्पेक्ट टू अल्फा इज अ फंक्शन ऑफ एक्स दैट इज आर्बिट्री एक्सेप्ट फॉर कंटिन्यूटी एंड एंड पॉइंट्स कंडीशंस. यानी कंटिन्यू एंड पॉइंट्स कंडीशंस पे तो इसकी पोजीशन वाजे है, बाकी दरमियान में हमारे पास क्या है वो आर्बिट्री है. फॉर एग्जाम्पल फॉर द पर्टिकुलर पैरामीट्रिक फैमिली ऑफ एडिट पार्ट गिवन बाई इक्वेशन 2.4 इट इज़ आर्बिट्री फंक्शन ईटा फंक्शन ऑफ एक्स. यानी ये यहाँ पे वाजे नहीं है, सिर्फ एंड पॉइंट पे वाजे है कि उसकी वैल्यू क्या हो जाती है जीरो. वी कैन इमेजिन कंस्ट्रक्टिंग अ फंक्शन दैट इज पॉजिटिव इन द इमीडिएट वेसिनिटी ऑफ एनी चूजन पॉइंट इन द इंटरवल एंड जीरो एल्सवेयर. यानी हम इस तरह फंक्शन को इमेजिन कंस्ट्रक्ट करते हैं कि ये इसकी किसी भी पॉइंट के लिए इन इंटरवल वो क्या होगा, उसकी वैल्यू सम होगी और बाकी लोकेशंस पे वो क्या होगा जीरो होगा. फॉर इक्वेशन 2.9 इट इज देयरफॉर फॉलो दैट ये कैन हैव अ स्टेशनरी वैल्यू. यानी इस रिलेशन से हमारे पास ये कि ये की वैल्यू हमारे पास क्या होगी वो स्टेशनरी होगी अगर आपके पास ये सेकंड टर्म नॉन जीरो और फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है वो जीरो है. यानी पार्शियल एफ पार्शियल वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ पार्शियल एफ और पार्शियल वाई डॉट इज इक्वल टू जीरो. द डिफरेंशियल क्वांटिटी रिप्रेजेंट्स द इन्फिनिटेसिमल डिपार्चर ऑफ द वैलिड पाथ फ्रॉम द करेक्ट पाथ एट पॉइंट एक्स एंड दस करस्पॉन्ड्स टू वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा वाई. तो हमारे पास फिर रिलेशन क्या बन जाएगा पार्शियल वाई बाई पार्शियल अल्फा एट अल्फा इज इक्वल टू जीरो डी अल्फा डिफाइंड बाई डी वाई. इसी तरह जे के लिए भी ये रिलेशन आपके पास सेम इस तरह का रिलेशन होगा. सो दिस कंक्लूड दैट ये स्टेशनरी फॉर द करेक्ट पाथ एंड इक्वेशन 2.9 कैन बी रिटन एज हमारे पास इक्वेशन 2.9 हम इसे इस तरह लिख सकते हैं डेल्टा जे इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ दिस टर्म बिटवीन एक्स वन एंड एक्स टू वेयर वाई विच इज फंक्शन ऑफ एक्स सेटिस्फाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन 2.11 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. दिस इक्वेशन हमारे पास आ रही है. तो ये हमारे पास बेसिकली कैलकुलस ऑफ वेरिएशन है जिसके लिए किसी भी करेक्ट पाथ के लिए जो है ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए. पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई माइनस डी बाई डी एक्स पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई डॉट शुड बी इक्वल टू जीरो. ये हमारे पास फुलफिल होगी तो तभी हमारे पास ये जो है उसकी वैल्यू क्या होगी स्टेशनरी होगी फॉर करेक्ट पाथ. इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं ये बुक में एग्जांपल्स हैं गोल्डस्टाइन की बुक में. नंबर वन है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स एंड अ प्लेन एंड सेकंड एग्जांपल है मिनिमम सरफेस ऑफ अ रेवोल्यूशन और थर्ड हमारे पास इसकी एप्लीकेशन है द ब्रोकास्टो-क्रोन प्रॉब्लम. तो ये हमारा आज का लेक्चर था, यहीं पे हम इसे वाइंड अप करते हैं. नेक्स्ट इस टॉपिक से रिलेटेड इंशाल्लाह इसे मज़ीद आगे बढ़ाएंगे. अल्लाह हाफिज़.